हेलो आल, आज की वीडियो बहुत ही सिंपल है, सरल है और आज की वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो आपको आसानी से भाषा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में विशेष क्या है कि जब भी आप कहीं पे आई चेकअप कराने जाते हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, चश्मे की दुकान में या फिर आई हॉस्पिटल या क्लिनिक में, तो आपको एक पावर कार्ड दिया जाता है कि ठीक है। पावर कार्ड मिलने के बाद आप समझते हो कि मतलब डॉक्टर तो बोल देता है -1 -2 है, बट वो आपको समझ में नहीं आता कि वाकई में ये -1 -2 या फिर +1 +2 का मतलब क्या है। मतलब कोई अगर हमारा पावर पूछता है तो हम उनको क्या बोलें कि मेरा पावर कितना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्फेरिकल पावर हो सकता है सिलिंड्रिकल पावर हो सकता है आपका प्रिज्मेटिक पावर हो। तो ये तीन चार तरह के पावर होते हैं जिनको आपको समझने में असुविधा होती है कि मतलब मैं कैसे बताऊं कि मेरा पावर क्या है। या फिर कभी आपका मन कर दिया कि मुझे ऑनलाइन चश्मा ऑर्डर करना है, तो मैंने स्फेरिकल की जगह पे सिलिंड्रिकल वाले में पावर एंट्री कर दिया, तो ये सब पावर गलत होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इसी पे आधारित है कि आपके जो भी पावर मिला है, आपको कहीं से भी मिला है, कहीं से भी आप कराए हैं, उस पावर का मतलब क्या है, आपको कौन सी कैटेगरी का पावर है और कैसे उसको पढ़ना है, कि अगर कोई पूछे कि आपका पावर क्या है तो। ठीक है, तो हेलो आल, मेरा नाम है राकेश कुमार सिंह और मैं एक हूँ सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, और स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी हमारी वीडियो आती है उन सबके बारे में आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो चलिए बेहद ही सरल और सिंपल भाषा में जिसको मैं बोलूंगा बताने जा रहा हूँ कि अपने चश्मे का पावर हम कैसे पढ़ें, कि हमको पावर क्या है, क्या डिफरेंस होता है राइट आई लेफ्ट आई स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, बाद में एक्सिस आ जाती है, प्रिज्मेटिक पावर आ जाता है, ODOS आ जाता है, बाद में एडिशन पावर होता है, नियर पावर होता है, तो इन सभी को मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि R और L का मतलब क्या होता है या फिर OD और OS का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी इंडियन प्रिस्क्रिप्शन है बहुत सारे लोगों ने अभी ODOS लिखना भी शुरू कर दिया है, तो आम आदमी को समझ में नहीं आता भैया OD मतलब कौन सी आंख है और OS मतलब कौन सी आंख है। ठीक है, तो OD का फुल फॉर्म होता है ऑक्युलस डिस्टर, जिसको हम लोग राइट आई बोलते हैं, और OS का मतलब होता है ऑक्युलस सिनिस्टर, जिसको हम लोग लेफ्ट आई बोलते हैं। ठीक है, और अगर R L लिखा है तो आपको समझ में आएगा R मतलब राइट आई, L मतलब हो गई आपकी लेफ्ट आई। ये चार तरह के आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक्चुअली इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका, ये समझना कौन सी आंख का प्रिस्क्रिप्शन है। और अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा माइनस प्रिस्क्रिप्शन है या फिर जिसको हम लोग मायोपिया का प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो कैसा दिखता है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन मतलब मेरा पावर नहीं है, जस्ट मैंने लिखा है इसको, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली लिखा है ये -1 राइट आई में, और लेफ्ट आई में भी देखेंगे तो -1, दोनों में -1 लिखा गया है एक्चुअली सिर्फ SPH वाले कॉलम में। सो अगर ये माइनस में है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, वही अगर प्लस में है तो जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो ही होता है, या तो माइनस में या तो प्लस में। ये हो गया हमारा स्फेरिकल वाले का मतलब क्या होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि किसी का ये स्फेरिकल वाले कॉलम में कुछ नहीं है, मान लीजिए स्फेरिकल वाले में 0 0 है या फिर ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है, जैसा ये प्रिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है CYL के आगे देखेंगे तो एक्सिस लिखा है, इसका मतलब होता है कि सिलिंड्रिकल पावर है आपको। सिलिंड्रिकल पावर का मतलब होता है एस्टिगमेटिज्म प्रॉब्लम है आपकी आंखों में। ठीक है, तो एस्टिगमेटिज्म अगर किसी को प्रॉब्लम है एस्टिगमेटिज्म की, तो डेफिनेटली आपका जो CYL कॉलम है उसमें पावर लिखा रहेगा, बाद में आपकी एक्सिस लिखी हुई होती है एक्चुअली। ठीक है, तो ये होता है उनको जिनको की एस्टिगमेटिज्म प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, वो है आपका सिलिंड्रिकल पावर। ओके, और किसी केस में क्या आपने देखा होगा कि आपका स्फेरिकल में भी पावर है, सिलिंड्रिकल में भी पावर है, एक्सिस में तो आपको एक्सिस रहेगा क्योंकि सिलिंड्रिकल पावर है, तो दो तरह का होता है, या तो माइनस माइनस में रहेगा, या तो प्लस प्लस में रहेगा, या तो प्लस माइनस रहेगा, मतलब जिसको हम लोग मिक्सड बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया अगर माइनस माइनस में लिखा है तो मायोपिक एस्टिगमेटिज्म हो गया, अगर प्लस माइनस लिखा है तो हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म हो गया, प्लस माइनस अगर आ जाता है तो हम लोग मिक्स्ड एस्टिगमेटिज्म बोल सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का है एक्चुअली। ठीक है, तो बेसिक लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो पावर सिर्फ आपका दो ही तरह का मिलेगा, या तो प्लस माइनस रहेगा तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हो गया, या फिर एस्टिगमेटिज्म हो गया जिसको हम लोग CYL बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये समझना
कि आपका पावर जो है कौन सी कैटेगरी का है, अगर ये हम लोग अभी दूर के पावर की बात कर रहे हैं के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम आ जाते हैं पास के बात की, पास के पावर की नजदीक का पावर कैसे समझें, कि मतलब बहुत सारे जगहों पे देखा होगा आजकल डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि मतलब नजदीक में नियर पावर न लिख करके वहां पे एडिशन पावर दे देते हैं। तो एडिशन पावर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जो चश्मा बनाते हैं, सपोज किसी का मान लीजिए -1 पावर है ऊपर में, जैसे ये देख लीजिए -1 पावर है और डॉक्टर ने एक्चुअली नीचे लिख दिया एड +2, तो ये इनको क्या समझ में आता है कि मतलब +2 ऐड मतलब हो सकता है वो जो +2 है वो मेरा नजदीक का पावर है, जाके दुकान पे उनको पता नहीं रहता, +2 का चश्मा बनवा लेते हैं, बाद में उसे दिखता नहीं है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ऊपर में कुछ और पावर लिखा रहा है मतलब डिस्टेंस का पावर, नीचे में अगर लिखा रहा है ऐड पावर, तो ऐड का पावर सिंपल मतलब ऐड का होता है ऊपर में जो पावर है उसमें मुझे इसको जोड़ना है, ऐड करना है, बाद में जो पावर बचेगा वही आपका नजदीक का पावर है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है, डिस्टेंस पावर उसमें आपको ऐड करना है जो आपका डॉक्टर ने लिखा ना ऐड +1 +2 +3 जो भी लिखा है एडिशन उसको आप जोड़ दीजिए, नीचे जो बचता है वही आपका है नजदीक का पावर, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, डॉक्टर को बोलिए, आपने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बोलिए सर मुझे एडिशन पावर ना लिख करके सीधे आप मेरा नजदीक का पावर बता दीजिए कि मेरा राइट आई में नजदीक का पावर कितना है, लेफ्ट आई में नजदीक का पावर कितना है, वो सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप बचना चाहते हैं कि नहीं मुझे जो प्रिस्क्राइब किया है वही पावर मिले तो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस आजकल आ रहे हैं जिसमें मतलब एडिशन का चश्मा बनवा लेते हैं और दिखता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको अपने से समझदारी दिखानी है कि मुझे एडिशन पावर ना लिख करके आप मेरा नजदीक का पावर दीजिए, नहीं तो फिर आपको जो दूर का पावर है उस पावर में जो एडिशन पावर है उसको ऐड करना है, बाद में जो बचेगा वो आपका है रीडिंग पावर एक्चुअली। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनको दोनों पावर होता है, दोनों मतलब दूर का भी और पास का भी, जिसको हम लोग रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दूर और पास का पावर है तभी आपको ये एडिशन रीडिंग समझने की जरूरत है, बट अगर दूर का पावर नहीं, दोनों पावर नहीं है आपको दूर का और पास का, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, तो आपका फिर जो पावर है वो तो सिंगल विजन का है, सिंगल विजन मतलब खाली दूर का है, ठीक है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो थी, ज्ञान था सिर्फ ये बताने के लिए कि अपना पावर हम कैसे पता करें, जो पावर डॉक्टर ने दिया है वो कौन सा, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल एक्सिस है या फिर प्रिज्मेटिक पावर जो मैंने नहीं कवर किया, कहीं कहीं आपको प्रिज्म में भी वो पावर लिखा रहता है, बाकी कलम कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो से इजीली उसको आप पता कर सकते हैं एक्चुअली। बाकी अगर कुछ डॉक्टर ने पावर दिया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप तो नहीं बोलूंगा एक्चुअली, व्हाट्सएप मैंने नहीं दिया आप लोगों को अभी तक, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, साथ में आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ये पावर है हम कैसे पता करें, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं, या फिर कोई अगर आपका पावर पूछे तो कैसे आपको बताना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, और थैंक यू सो मच यार आप लोगों के प्यार के लिए। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे भी बहुत मजा आता है सच में आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर देने में, ठीक है। मुझे भी लगता है कि कुछ तो लोग हैं जो सीरियस लेते हैं मेरी वीडियो को, नहीं मुझे लगता है सब ऐसे ही हवा में तीर मार के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे ऑडियंस हो आप लोग, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको वाकई में प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन देने में मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो माफ़ करना, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि मैं भी वर्किंग पर्सन हूँ, दिन भर काम करता हूँ हॉस्पिटल्स में, फिर रात को आता हूँ घर में तो आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर देता हूँ, तो हो जाता है एक्चुअली थोड़ा सा डिले, बट आंसर देता जरूर हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।